हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू पालक की सब्जी। पालक पनीर की तरह आलू पालक भी बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर दो बंच पालक ली है। पालक को दो तीन बार अच्छी तरह से धो लिया है। मीडियम साइज के तीन कच्चे आलू लिए हैं। इसका छिलका मैंने हटा लिया है। दो हरी मिर्च, दो लाल मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, एक प्याज और दो देसी टमाटर। अब आलू को काट लेंगे। आलू को थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। आलू को काटते ही तुरंत पानी में डालेंगे ताकि आलू काला ना पड़ जाए। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सारी सब्जी को रफली चॉप कर लेंगे। अदरक और लहसुन को हम दरदरा कूट लेंगे। कूटने के लिए 10-12 लहसुन की कली लेंगे और बाकी लहसुन को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैंने लहसुन को दरदरा कूट लिया है। अब पालक को भी काट लेते हैं। पालक को काटने के लिए मैं कैंची का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह पालक का एक बंच हाथ में लेकर कैंची से ऐसे काटने से अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे भी काट सकते हैं। चाकू में काटने से नीचे भी गिरता है, मुझे तो कैंची में काटने में आसानी लगती है। पालक सारे कट गए हैं, तो अब चलते हैं गैस की तरफ। आलू पालक बनाने के लिए हमेशा सरसों तेल का इस्तेमाल करें। 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा तड़कने के बाद इसमें जाएगा लहसुन। जो लहसुन हमने बचा कर रखा था उसे ऐसे साबुत ही डालेंगे। साबुत लहसुन आलू पालक में बहुत अच्छा लगता है। आलू पालक में साबुत लहसुन डाल कर देखना, बहुत अच्छा लगता है। लहसुन हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे। प्याज को भी हमें 1 मिनट ही फ्राई करना है। अब इसमें सूखी मिर्च को तोड़कर डाल देंगे। सूखी मिर्च को हल्का सा रोस्ट कर देंगे और उसके बाद इसमें आलू को डाल देंगे। आलू को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आलू के साथ प्याज लहसुन भी फ्राई होंगे, इसीलिए प्याज और लहसुन को पहले से ज़्यादा ना पकाएं। पहले से ही प्याज को ज़्यादा पका लेंगे तो आलू ब्राउन होने तक प्याज काला पड़ जाएगा। देखिए, आलू हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। आलू को हमें इसी स्टेज तक फ्राई करना है। अब इसमें जाएगा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने पहले से ही इसमें ग्रीन चिली और रेड चिली का इस्तेमाल किया है। देखिए, हल्दी और लाल मिर्च डालने के बाद इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। हल्दी और लाल मिर्च डालने से पहले कुटा हुआ अदरक और लहसुन को मुझे डालना था, पर कोई बात नहीं, अभी इसे डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच में पकने देंगे। पालक बहुत जल्दी पक जाता है, इसीलिए आलू को पहले से अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए, आलू कितना अच्छा दिख रहा है। आप चाहे तो आलू को ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसमें सारे पालक को डाल देंगे। पालक को ऐसे ऊपर में डाल लेंगे, इसे मिक्स नहीं करेंगे। अब इसे हम ढक कर पालक को पकने देंगे। पालक को हमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी होता है और अपने ही भाप में पक जाएगा। देखिए कितना सारा पानी निकला है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। आंच को धीमी रखें। देखिए कितना सारा भाप निकल रहा है। मैंने इस रेसिपी को बनाते हुए एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी देखिए पालक में से कितना पानी निकला है। अब हमारा पालक और आलू अच्छे से पक गया है, तो अब इसमें जाएगा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट इसे पका लेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। हमारा आलू पालक अब रेडी हो गया है, तो अब गैस को बंद कर देंगे। देखिए, हमने जो साबुत लहसुन इसमें डाला था, ये पक कर कितना सॉफ्ट हो गया है। आलू पालक का लहसुन खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो साबुत लहसुन ज़रूर डालें। देखिए, आलू भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं।
तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे रोटी के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू।